हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में वैसे वाक्यों को लिया गया है जिसके अंत में होता है, लगता है, रहता है इत्यादि लगा हुआ रहे, तो ऐसे वाक्यों को जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे तब उसमें एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में उसके स्वभाव का पता चलता है, यानी कि उसके नेचर का पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दूध उजला होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि दूध उजला ही होता है। कहीं आप लोगों ने देखा है क्या कि दूध लाल होता है या काला होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसके नेचर का पता चल रहा है कि दूध उजला ही होता है। दूध मीठा भी होता है और दूध लाभदायक भी होता है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। चीनी मीठी लगती है। हाँ, बिल्कुल सही है कि मीठी ही लगती है, खट्टी तो लगती नहीं है। आदमी मरणशील होता है। बिल्कुल मरणशील होता है, कोई भी यहाँ पर अमर होकर के आया नहीं है। बच्चे नटखट होते हैं, शिक्षक दयालु होते हैं, बिल्कुल सही है। तो चलिए, ये सारे वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखते हैं। दूध उजला होता है, दूध का इंग्लिश क्या होता है? मिल्क। तो यहाँ पर हम लोग लिखे मिल्क, एम आई एल के, मिल्क। उजला होता है, यानी कि मिल्क के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। क्या होता है? उजला होता है, तो मिल्क इज वाइट। यहां पर हम लोग आर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दूध जो है वो प्लूरल ही होता है, क्योंकि हम लोग दूध को गिन नहीं सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेट बन जाएगा मिल्क इज वाइट। नेक्स्ट है, दूध मीठा होता है, तो दूध का इंग्लिश हो जाएगा मिल्क, और मिल्क के साथ इज का प्रयोग करेंगे। क्या होता है? तो मीठा होता है, तो मिल्क इज स्वीट। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर में, दूध लाभदायक होता है, तो इसका ट्रांसलेट बनाएंगे मिल्क इज लाभदायक का इंग्लिश हो जाएगा यूजफुल। तो इसका ट्रांसलेट बन गया दूध लाभदायक होता है का मिल्क इज यूजफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है, चीनी मीठी लगती है। चीनी मीठी लगती है, चीनी का इंग्लिश शुगर, और शुगर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चीनी भी प्लूरल होता है, चीनी को हम लोग एक एक करके गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए। तो ये क्या लगती है? मीठी लगती है, यानी कि शुगर इज स्वीट। चीनी मीठी लगती है, या तो चीनी मीठी होती है, दोनों का सेंटेंस बनेगा शुगर इज स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आदमी मरणशील होता है। आदमी, आदमी का इंग्लिश हो जाएगा मैन, और एक आदमी का बात किया जा रहा है, तो मैन इज मरणशील। मरणशील का इंग्लिश होगा मोर्टल, एम ओ आर टी ए एल, मोर्टल। मैन इज मोर्टल। नेक्स्ट सेंटेंस है, शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक का इंग्लिश होगा टीचर। सभी शिक्षक दयालु होते हैं, तो ये हो जाएगा टीचर्स, यानी कि सभी शिक्षकों के बारे में बात किया जा रहा है, तो टीचर्स प्लूरल हो गया, इसीलिए इसमें हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। टीचर्स आर दयालु का इंग्लिश काइंड, टीचर्स आर काइंड। नेक्स्ट है, बच्चे नटखट होते हैं। सभी बच्चे नटखट होते हैं, तो ये हो गया प्लूरल फॉर्म में चिल्ड्रेन, और जब ये प्लूरल हो गया तब हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रेन आर नटखट का इंग्लिश नॉटी, एन ए यू जी एच टी वाई, चिल्ड्रेन आर नॉटी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सूर्य गर्म रहता है। सूर्य कैसा रहता है? गर्म रहता है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य जो है वो एक ही है, इसीलिए इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा द सन इज गर्म का इंग्लिश हॉट, तो द सन इज हॉट।
नेक्स्ट है शेर बहादुर होता है, शेर बहादुर होता है तो इसका ट्रांसलेट बनेगा द लायन इज बहादुर का इंग्लिश ब्रेव। शेर बहादुर होता है का ट्रांसलेट बन गया द लायन इज ब्रेव। नेक्स्ट है बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये ट्रांसलेट बनाना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।